पुरुष प्रधान समाज में किसी महिला द्वारा पुरुष की हजामत बनाने की बात हर किसी को थोड़ी लोक लाज और शर्मिंदगी भरी लगे। लेकिन सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी प्रखंड के बसौल गांव की सुखचैन देवी ने यह काम बखूबी करना शुरू कर दिया है। आज इस काम को सुखचैन देवी बड़े ही गर्व से कर रही हैं और अपने बच्चों का भरण पोषण भी कर रही हैं। सुखचैन देवी के इस हौसले को सब सलाम कर रहे हैं और आज वो पूरे प्रदेश में लेडीज बार्बर के रूप में विख्यात हो चुकी हैं। हम लोग 2 साल से ये काम कर रहे थे। जब से ये लॉकडाउन हुआ है, जब से खाने के लिए नहीं रहा है, तो घर घर जाकर अपना सबके के केस दाढ़ी कटने लगा है न? बच्चा के पढ़ाने के लिए भी नहीं है, इसलिए हम लोग व्यवस्था अपन दे के मजबूरी समझ के सबके घर घर जा जा के हम ये काम करने लगा है। तो काम 2 साल पहले से कर रहा था, तब कम बेस कर रहा था, अब अभी मजबूरी आ गया है तो पूरे करने पड़ा है, तो हम लोग घर घर जाके पूरे काम करने लगा है। उनसे जब हम बात की तो उन्होंने बोला कि हम 2 सालों से काम कर रही हैं, और वो 2 साल से काम कर रही है और अपने परिवार को चलाने के लिए उनको आगे आना पड़ा। जो पेशा कर रही हैं, जो पुरुष वाले काम है वो महिला होकर के वो कर रही हैं, 2 सालों से कर रही हैं अपने परिवार को चलाने के लिए, और उनके परिवार में काफ़ी कठिनाई है, जबकि उनके पति है जो चंडीगढ़ में मजदूरी करते हैं, और वो खुद एक महिला होकर के अपने परिवार को चलाने के लिए लोगों का घर घर दरवाजे दरवाजे जाकर के। उनके इस कार्य में गांव के लोगों का भी समर्थन है। सुखचैन देवी ने बताया कि वह पहले से हजामत करने की कला जानती थी, कभी उसने इस काम को लेकिन किया नहीं था। उसके पति रमेश ठाकुर पंजाब में रहकर बिजली मिस्त्री का काम करते थे और यहां गांव में परिवार के साथ रहकर वह बच्चों को पालती थी, पर कोरोना संकट के इस काल में उसके पति की नौकरी चली गई और वह बेरोजगार हो गया। इसलिए अपने परिवार का जिम्मा खुद उठाने की सुखचैन ने ठानी और सामाजिक ताने बाने को ताक पर रखकर हाथ में कैंची अस्तुरा थाम लिया और घर घर जाकर पुरुषों के बाल और दाढ़ी बनाने लगी और अपने परिवार का भरण पोषण करने लगी। राम जाति का वो है और उनका पति लेबर डिपार्ट से काम करते हैं चंडीगढ़ में, और नाई के काम ये 2 साल 1 साल से करती है। गाँव गाँव में घूम घूम के कोई बुराई करती है नहीं करते है, पता तो हमें नहीं है। हम लोग नज़र में ठीक ही है, किसी के दरवाजे पर मांगने से अच्छा तो यही है कि मजदूरी करना। नाई के काम अच्छा खासा करती है, हम लोग भी बनवाते हैं, घर घर जाकर करती है। हाँ जी, हाँ जी, घर घर जाती है, कोई आटा भी देते हैं, कोई चावल भी, कुछ पैसे भी देते हैं। मतलब हर जगह पैसा नहीं मिलता है, अनाज जो मिलता है वही ले लेती है, हजाम जाती है। इस चीज का प्रस्ताव गाँव में रखा, हम लोगों ने इनका इनकार नहीं किया, और नारी शक्ति को बढ़ावा देना है। हम लोग गाँव में भी देखते हैं, बाहर जाकर के भी देखते हैं कि नारी शक्ति को बढ़ावा हो। कुछ लोगों ने इस चीज का आलोचना भी किया, फिर भी हम लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं है, समाज है तो कुछ तो चढ़ाव उतार होगा, लेकिन फिर भी हम लोग इन लोगों को सहयोग कर रहे हैं। इस वैश्विक संकट में लोगों को यह डर था कि सैलून से भी कोरोना फैलता है। लोगों में सैलून से कोरोना का डर खत्म करने के लिए सुखचैन देवी ने यह नायाब तरीका अपनाया। इससे न सिर्फ लोगों में कोरोना का डर खत्म हुआ, बल्कि सुखचैन देवी के घर की रोजी रोटी भी चल रही है, जो महिलाओं के लिए एक मिसाल है। ओंकार आवामी के लिए सीतामढ़ी से आदित्य नंद आर्य की रिपोर्ट।